पूजा करेगी? हाँ नानी, कल के उस हादसे के बाद बस मन कर गया। आप सिखाएंगे मुझे? सिखाऊंगी, जरूर सिखाऊंगी। पहले पहले इसमें से माथे पर बिंदी लगा, टीका लगा। तो सौभाग्यवती है ना। अब हल्दी और कुंकू भगवान को चढ़ा। और अब फूल चढ़ा। अब आरती करना है, चल। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब मांग ले अपने भगवान से जो कुछ भी मांगना है, वो मेरी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। थैंक यू भगवान, आप हमेशा हम पर अपनी दृष्टि बनाए रखना, हमारे प्यार को किसी की नजर ना लगे, मेरा और सिद्धार्थ का साथ कभी नहीं। रब दा शुक्र है यार कि सब ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है ना पापा जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आपको क्या हुआ है? कौन सी बात है जो आपको परेशान कर रही है? जब मैंने आपसे फोन पे भी बात की तब भी मुझे लगा था, लेकिन आपने मुझे बताया नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है। क्या ना सिड, की आजकल यार मैं तुझे और रोशनी को बहुत मिस कर रहा हूँ। Dad, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस कुछ दिनों की बात है। It's just a matter of time. वैसे भी रोशनी को अब ये लगने लगा है कि अपर मिडिल क्लास लाइफ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस लाइफ अच्छी होनी चाहिए। और कल के हादसे के बाद कहीं ना कहीं मुझे लगने लगा है कि अब सासू माँ बदल रही हैं, वो भी बहुत जल्दी समझ जाएंगे। Dad, ये क्या? ये डार्क सर्कल्स क्या बात है डैड? व्हाई यू सो स्ट्रेस्ड? क्या छिपा रहे हैं आप मुझसे? अभी फोन मत उठाना, माँ को मत बताना कि हम लोग साथ। डैड, मॉम के और आपके बीच में सब ठीक है ना? वो लड़की क्या नाम है उसका, कृतिका, कहीं उसकी वजह से तो? राजवीर, मुझे लगा कि तुम आराम कर रहे होगे। मैडम, कितनी अजीब बात है ना सिड, जब हम पहली बार मिले थे तो इसी होटल में मिले थे। याद है तुम्हें? उस टाइम तुमने अपना नाम सिद्धार्थ सुराना बताया। चलो कोई बात नहीं, आज उस दिन की भरपाई करते। आज तुम्हें लंच करूंगा। सॉरी, आपको देखा नहीं मैंने। आप पहले मिले ना हम कहीं? हाय, आई एम राजवीर।
सिद्धार्थ की वाइफ रोशनी का जीजा जी। वैसे उस रिश्ते से हम दोनों क्या हुए? साडू भाई। साडू, इंटरेस्टिंग राइट? राजवीर, ये मेरे डैड हैं, मिस्टर कुकरेजर। सिद्धार्थ, तुम कमाल करते हो, तुमने पहले क्यों नहीं बताया यार? नमस्ते अंकल। ठीक है पुत्र, वो क्या है ना कि यहां मैं एक शूटिंग के लिए आया, इसीलिए मैंने सिड को यहीं बुला लिया। वरना बेटे, हम लोग इतनी बड़ी जगह पर कैसे आ सकते हैं? हमारे घर के पूरे महीने का बजट बिगड़ जाए। How cool is that? आप कैरेक्टर रोज करते हैं क्या? नहीं, मैं जूनियर आर्टिस्ट। तो सॉरी टू हियर दिस अंकल। वैसे मेरा मानना है कि कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता, है ना? बिल्कुल, मैं भी यही मानता हूं। अच्छा बेटा, मैं चलता हूं, देर हो रही है। जी, शूटिंग में सब लोग ढूंढना शुरू कर दे। ओके डैड। डैड, सी यू। अपना ध्यान रखिए। मैं अपना ध्यान रखूंगा डैड, आप अपना ध्यान रखिए, मैं फोन करता हूँ। बाय, सी यू। सेड, यार हमारा लंच तो आज फिर से रह गया। खैर कोई बात, नेक्स्ट टाइम से, राइट? मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम्हारा क्या प्लान है? मैं शायद घर जाऊंगा। ओके। डैड कुछ कहने वाले थे और बात पूरी नहीं हो पाई। बस एक महीना डैड, सिर्फ एक महीना। इस एक महीने में मैं कुछ ऐसा करूंगा कि ये माँ और बेटी अपने मतभेद भुलाकर एक साथ प्यार से जिंदगी गुजारेंगे और मैं इस झूठ की जिंदगी से छुटकारा पा पाऊंगा। जस्ट वन मंथ का, जस्ट वन मंथ। सिड को करे जाना, बड़े गहरे पानी की मछली है भाई, लेकिन मैं भी कोई कच्चा खिलाड़ी ना। तुम दोनों के बीच में जो खिचड़ी पक रही है ना, भले मैं तेरे मुंह से ना पता कर पाऊं सिड, लेकिन तेरा पूजनीय बाप कमजोर खिलाड़ी है। सारा राज मन्ने अब वो ही बताएगा। सारे घर के नौकरों को हो क्या गया? निस्लो हो गए। भाई रख दे जाए, कुछ खाने को भी ले आई हो। सर बहुत फट रहा है मेरा। गॉड, तू, तुझे क्या चाहिए? नहीं, वो मेड ने बताया कि तुम्हारा सर दर्द है। तो तू डॉक्टर है क्या? डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ हूँ और चाय पीने से सर दर्द नहीं जाएगा, इसलिए तेल लाई हूँ, ये लगाओगी तो थोड़ा आराम मिलेगा तुम्हें। ये सब नहीं लगाती मैं। हाँ, और कहीं तूने इसमें मंत्र वंत्र तो नहीं फूंक दिया है? मुझे उड़ाने का प्लान तो नहीं है तेरा कहीं? ठीक है। अच्छा सुन, तू भी क्या याद रखेगी, लगा दे समय तेल। सच? ठीक है, अब तुम अच्छा एक बात बता, तो तेरा बेटा दोबारा क्यों नहीं आया? डर गया क्या मुझसे? आई मीन सीरियसली बता, है कहाँ वो? दिखता ही नहीं है, कोई झोल है क्या?
वो एक्चुअली नहीं, बस ऐसे ही सिड आता जाता रहता है। अब ठीक है, तुझे नहीं बताना तो मत बता, तेरा फैमिली सीक्रेट है। मैंने तो वैसे ही पूछ लिया, आई मीन चंपू है लेकिन है तो मेरा सौतेला भाई ना। एनीवेज आई डोंट केयर। नहीं कृतिका, तुम भी तो फैमिली हो ना। ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ सिड का सच। क्या चल रहा है यार? क्या हाल बना रख? रोशनी क्या कर रही हो? बता के लाओ। क्या कर रही हो? भाई बनोगे क्या? हर बात में मजाक अच्छा नहीं लगता। ओके, मैं आज नानी के साथ मंदिर गई थी हमारी सुख शांति की पूजा करने के लिए। वहीं से ये धागा लेकर आई और ये हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। रोशनी, ठीक हो ना? मतलब बुखार बुखार तो नहीं है ना? नहीं, अगर तबीयत खराब है तो मैं डॉक्टर बुला लेता हूँ। वो क्या है ना बेबी, तुमने आज तक कभी ऐसा कुछ, एक मोमेंट ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी सिद्धार्थ। मैंने तुम्हें ऑलमोस्ट खो दिया था लेकिन आज जब वापस पाया है तुम्हें कि एक पत्नी होने के नाते मैं वो सारे काम करूंगी जिससे तुम्हारी उम्र बढ़े। रोशनी, ये उम्र बढ़ाना, रक्षा करना, सब ऊपर वाले के हाथ में होता है और ऊपर वाला सिर्फ अच्छे लोगों के साथ होता है और वो है मैं, तो हमें चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। और तुम्हें मेरी उम्र के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं। छोड़ो अभी, मेरी साड़ी कैसी लग रही है? साड़ी? ओह सॉरी, ओह सॉरी, फैबुलस, फैंटास्टिक, बहुत अच्छी लगी। नहीं नोटिस की ना? नहीं, हाँ हाँ हाँ, कॉस नोटिस किया और इसीलिए तो कह रहा हूँ कि तुम कमाल लग रही हो यार, यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल, धमाका लग रही हो। बस मैं ये सोच रहा था कि तुम मतलब ये रोज तो नहीं पहनने वाली ना? नहीं, वो इसलिए क्योंकि मतलब तकलीफ होती है ना साड़ी वाड़ी पहनने में रोज। वैसे तो सारी औरत का श्रृंगार होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरी तरफ से कोई प्रेशर नहीं। मेरी तरफ से वो पहन जिसमें तुम कंफर्ट। तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? ठीक से नहीं पहनी क्या मैंने? ओहो बाबा, इतनी तो सुंदर लग रही है, बहुत अच्छे से पहनी है रोशनी, मैं तो बस बोल रहा था यार। राइट, जाओ, तुमने अभी मूड स्पॉइल कर दिया पूरा। तुमने कुछ खाया नहीं होगा ना? क्या खाओगे? क्या खाओगे? खा लेंगे यार, कुछ जो तुम बनाओगे वो खाना ही पड़ेगा। अब तुम अपनी मॉम की तरह कोई कमाल धमाल कुक तो हो नहीं। तुम्हें याद है उनके हाथ की उंधियों क्या फुल पावर बनाई थी उन्होंने यार, और कैसे कमर कस के कॉम्पिटिटिव मूड में किचन में घुस गई थी। धमाका उंधियों बनाया था उन्होंने, याद है ना? और रोशनी, माँ के हाथ का खाना ना माँ के हाथ का ही होता। अब वो चाहे अपनी माँ हो, सासू माँ, बीवी, चाहे कितना भी अच्छा खाना बनाए उस स्वाद को मैच नहीं कर सकते। सही कह रहे हो तुम सिद्धार्थ,
के हाथ का होती सच में बहुत टेस्टी होता। और तुम्हें तो पता भी कुछ जो चखा है तुमने उस दिन छुप छुप के खा रही थी, देखा था मैंने। अब सुन, ये होटल जहां तू खड़ा है ये मेरे डैड का होटल है, मेरे बाप का होटल है। जानता है मेरे बाप का नाम क्या है? राज सिंह खुराना। He's the owner of the seven star hotels. और मैं उनका बेटा सिद्धार्थ खुराना तुझसे ये कह रहा हूं that you are not welcome here. You are not welcome here. Do you get that? सिद्ध ने अपना नाम खुराना बताया था और ये होटल के मालिक का नाम भी खुराना है। एक कनेक्शन है इन दोनों के बीच में। यो सिड गरीब मिडिल क्लास आदमी है या नहीं? अगर नहीं है तो गरीब होने का नाटक करके डीडी के घर में क्यों रह रहा है? रोज बेइज्जत होता है लेकिन फिर भी। और अगर है और यो आदमी जो कि जूनियर आर्टिस्ट है उसका बाप है तो वो खुराना के ऑफिस में क्या कर रहा है? घनी समस्या है, बहुत घनी। यहां एक्टिंग का स्कूल मन्ने चला रखा है भाई, और यो बाप और बेटे की ओवर एक्टिंग का स्कूल भी ना, मैं ही बंद करूंगा। जो आदमी अभी यहाँ अंदर आया था, who is he? I'm sorry sir, यहाँ तो काफी लोग आते जाते हैं, आपको किससे मिलना है? नाम तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मिलना जरूरी। सर नाम नहीं बता पाएंगे तो कैसे मिलेंगे? आपके पास अपॉइंटमेंट है जिससे आपको मिलना है? नहीं है, और मुझे उनका सर नहीं मालूम है। कुकरेजा, मिस्टर कुकरेजा। सर मैं किसी कुकरेजा को नहीं जानती, लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है। अरे मैंने कहा ना, अभी मैंने उन्हें अंदर आते देखा है, तुम बात समझ नहीं रही। रुकिए सर, सिक्योरिटी। रिलैक्स, जा रहा। कोई तो बहाना ढूंढना पड़ेगा। सच तो इसी जगह से निकलेगा राजवीर सिंह, यो बात तय है 100%। ये बाप और बेटे का राज ना मन्ने बड़ा फायदा कराएगा।